नमस्कार दोस्तों, एक विशाल मंदिर था। उसके प्रधान पुजारी की मृत्यु के बाद मंदिर के प्रबंधक ने नए पुजारी की नियुक्ति के लिए घोषणा कराई और शर्त रखी कि कल सुबह मंदिर में आकर पूजा विषयक ज्ञान में अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा, उसे पुजारी रखा जाएगा। ये घोषणा सुनकर अनेक पुजारी सुबह मंदिर के लिए चल पड़े। अब मंदिर पहाड़ी पर था। पहुंचने का रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। मार्ग की इन जटिलताओं से किसी प्रकार बचकर ये सभी मंदिर पहुंच गए। प्रबंधक ने सभी से कुछ प्रश्न पूछे, मंत्र पूछे। जब परीक्षा समाप्त होने को थी, तभी एक युवा पुजारी वहां आया। वो पसीने से लथपथ था, उसके कपड़े भी फट गए थे और उसके प्रबंधक ने उससे देरी से आने का कारण पूछा तो बोला, घर से तो मैं बहुत जल्दी निकला था, किंतु मंदिर के रास्ते में बहुत सारे कांटे और पत्थर देखकर उन्हें हटाने लगा ताकि यात्रियों को कष्ट न हो, इसी में देर हो गई। प्रबंधक ने उससे पूजा विधि और कुछ मंत्र पूछे तो उसने बता दिए। अब प्रबंधक ने कहा, तुम ही आज से इस मंदिर के पुजारी हो। ये सुनकर अन्य पुजारी बोले, पूजा विधि और मंत्रों का हमें भी ज्ञान है, फिर इसे ही क्यों पुजारी बनाया जा रहा है? इसमें ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो हमें नहीं है? तब प्रबंधक ने कहा, ज्ञान और अनुभव व्यक्तिगत होते हैं, जबकि मनुष्यता सदैव परोन्मुखी होती है। अपने स्वार्थ की बात तो पशु भी जानते हैं, किंतु सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए अपना सुख छोड़ दे। प्रबंधक की इस बात में पुजारियों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, मनुष्यता वहीं से शुरू होती है जहाँ अपना स्वार्थ खत्म होता है, क्योंकि अपने स्वयं का स्वार्थ तो सभी सिद्ध कर लेते हैं, यहाँ तक कि पशु भी सिद्ध कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।